गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड न्यू व्लॉग। तो सुबह सुबह ऑफिस के लिए निकल पड़े हैं तैयार होके। कल वॉलीबॉल का मैच हमने देख लिया, आज शायद टेबल टेनिस का सेमीफाइनल और फाइनल है। क्रिकेट का तो फाइनल हो ही गया था और बस यही दो तीन गेम बचे हैं अभी, कैरम, चेस और ये सब कुछ, और बाकी तो सब नॉर्मल चल रहा है। घर पे भी ऐसा कुछ विशेष नहीं है, बारिश के कारण सब्जियां वगैरह जो वो रखी है वो भी चल रही है, उसको गार्डन में भी नहीं जा पाते हैं। तो आज जो ट्राई करूंगा कि गार्डन का थोड़ा सा रिकॉर्ड कर पाऊँ। मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। दोस्तों ऑफिस से जस्ट आ चुके हैं और घर की तरफ जा रहे हैं फिलहाल। बस ने हमको छोड़ा है आज थोड़ा लेट, आते आते बस स्टैंड से उतरते उतरते ही हमको 7 बज गया, क्योंकि रास्ते में मिला था बस बड़ा ट्रैफिक। करीब करीब 20-25 मिनट तो ट्रैफिक में ही बस रुकी रही, इसीलिए लेट हो गया। तो मिलते हैं आपको घर जाके। दोस्तों घर पे पहुंच चुके हैं जस्ट फिलहाल, और सामने देख रहे हो आप खाना बन रहा है। निकुल और मयूर दोनों खेल रहे हैं इधर पे, हमारे एक नए पड़ोसी आए, उनका एक बेटा खेल रहा है इधर पे, ये देखो। इधर पे सामने खेल रहे हैं निकुल, इसकी मम्मी बना रही खाना, क्योंकि एक तो मेरे को लग गई मिर्ची। मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। दोस्तों मैं और निकुल जा रहे हैं आज गार्डन की तरफ, बहुत दिनों के बाद, मतलब चार पाँच दिनों के बाद। ये देखो इस तरफ से पूरा साफ सुफ हो चुका है, इस तरफ से भी साफ सुफ हो चुका है पूरा कंप्लीट। ये जो हमारे नए पड़ोसी आए हैं उनको खास इसलिए रखा है साफ सुफ करने के लिए, ये पेड़ वगैरह। ये पेड़ आपने देखा होगा एक वीडियो में स्पेशली, जो कि अंजीर का पेड़ है, एक इधर पे लगा है और एक इधर सामने लगा है अंजीर का पेड़, ये आप देख सकते हो। और बाकी तो सब पता ही है आपको, ये फालसा है, ये मीठा नीम, और हमारी ककड़ी इतनी बड़ी बड़ी हो चुकी है फिलहाल। और सामने कलिंगर भी निकल चुका है बहुत दिनों बाद, ये भी तो आपको पता होगा, ये भी कलिंगर है ये। और इस तरफ करेला बड़ा वाला, जो कि मेरे को पसंद नहीं है, मेरे को तो छोटा वाला ही पसंद है। इधर पे लोबिया डिफरेंट टाइप, और नींबू वगैरह तो सब कुछ सही है चल रहा है एक्चुअली में। ये देखो इतने बड़े बड़े नारंगी लगे हैं पर अभी भी एक भी पका नहीं है। और ये गुआर देख सकते हो आप, बड़ा बड़ा हो गया है एक्चुअली में। और इधर पे लोबिया भी बड़ा बड़ा हो चुका है, पर इसमें से घास को निकालना पड़ेगा हमको, क्योंकि घास के कारण ये बढ़ नहीं पा रहा। इधर पे भिंडी और मेथी आप देख सकते हो, मेथी आपको दिखाता हूँ, ये है मेथी और ये है भिंडी, जो कि अभी इसमें भी दवाई डालनी पड़ेगी मेरे को लगता है, जहाँ तक मेरे को लगता है कि मतलब दादा जो है जय भगवान एक्यूपिस्ट आश्रम के संचालक, वो नहीं डालने देंगे। सामने उसके नीचे मिट्टी लगी हुई है इस तरफ, और निकुल मेरे साथ में है तो मैं उसके नीचे नहीं जाके दिखा सकता। इधर पे दो हमारे बड़े बड़े करेले के पौधे हैं, बड़े करेले के पौधे जो आप देख सकते हो इस खजूर के पेड़ के नीचे, ये वाले। मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। दोस्तों खाना तैयार हो चुका है, इधर पे है गेहूं की रोटी, इधर पे खिचड़ी, आलू की सब्जी, बाजरे की रोटी, एक अभी भी तवे पे है, और इसमें है अपना दही, इसमें है छास, और इसमें है हमारा फेवरेट सब्जी बैगन विथ छास। मैं खाना खाने के लिए तैयार हूँ, और ये इधर देखो, ये एक्चुअली मैं थोड़ा थोड़ा खाना खा चुके हैं और अभी उसकी मम्मी और दोनों खेल रहे हैं।
तो मिलते हैं आपको खाना खाने के बाद में। दोस्तों खाना हो चुका है और बस मैं इधर ही बैठा हूँ, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कल फिर से एक बार, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत। और हमारे चैनल को इंडियन ब्लॉगर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर कभी।